जय हिंद गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल 24/7 सी ए जोन में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, एलयू की तरफ से अपडेट है कि एलयू ने बीबीए, बीसीए और बीकॉम वाले बच्चों का दूसरा सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया है। आज हो जाएगा बेसिकली अपडेट। सो आपको करना क्या है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड से चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, आपको दिया गया है जितने भी स्नातक कोर्स हैं उसमें प्रवेश प्रतिक्रिया में बीबीए, बीकॉम, बीकॉम एनईपी और बीकॉम ऑनर्स कार्यक्रम में दूसरा सीट अलॉटमेंट जो है वो आज अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से चेक कर लेना है। और इसमें जो आप देख सकते हैं, प्रोफेसर माथुर का कहना है कि पात्र अभ्यर्थी 30 जुलाई तक रात 12 बजे तक ऑनलाइन सीट कंफर्मेशन कर सकते हैं। मतलब 30 जुलाई तक आपको सीट अपनी कंफर्म कर लेनी है, फ़ीस जमा करने के बाद ही आपकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। उसके साथ ही जितने भी बच्चे हैं एलएलबी 5 वर्षीय, यानी एलएलबी जो 5 ईयर वाले हैं, उनका भी सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है। आपको भी अपनी फ़ीस 29 जुलाई की रात 12 बजे तक जमा कर लेनी है। आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है 29 जुलाई रात 12 बजे तक आपको सीट कंफर्मेशन करके फ़ीस जमा कर लेनी है। साथ ही में बी फार्मा, डी फार्मा वाले बच्चे हैं जिनकी जो है 29 तारीख जमा करने की हो गई है। पहले वो 25 थी, अब वह तारीख 29 कर दी गई है। तो यहाँ पे स्नातक प्रवेश प्रतिक्रिया के तहत डी फार्मा के लिए ऑनलाइन सीट कंफर्मेशन फ़ीस जमा करने की अंतिम तारीख जो है बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 29 जुलाई तक रात 12 बजे तक अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। पहले ये जुलाई 25 थी, बट अब ये 29 कर दी गई है। तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बीए, जो यूजी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, और एलएलबी 5 ईयर्स और डी फार्मा वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे 30 जुलाई रात 12 बजे तक आप जमा कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन फ़ीस। फ़ीस जमा करने के लिए लॉगिन आईडी का उपयोग करके आप वहाँ से अपनी सीट कन्फर्म करके फ़ीस जब आप जमा करेंगे तो आपकी सीट पूरी कंफर्म हो जाएगी। ऑनलाइन करिए या फिर आप कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉगिन आईडी पासवर्ड से एज इट इज़ आपको कर लेना है। बाकी और भी आगे सीट अलॉटमेंट का नोटिस आता है तो मैं आपको श्योरली इन्फॉर्म करूँगी इसके बारे में। और ये सीट अपना अलॉटमेंट करके आप आज ही अगर आएगा अपडेट तो आप लॉगिन आईडी से चेक करके अपना फ़ीस कन्फर्म कर लीजिए, और जितना जल्दी हो सके उतनी फ़ीस अपनी जमा करके अपना आगे जो है एडमिशन कंफर्म करके अपने आगे ये जो है क्लासेस वगैरह शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। साथ ही में पीजी के 6 वर्षीय प्रवेश के लिए तारीख जो है वो तय करी गई है। यहाँ पे 6 प्रोग्राम्स हैं पीजी के, जिसके तहत आपको जो है डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो ये पीजी वाले बच्चों के लिए है बेसिकली, जिसमें कि परस्नातक प्रवेश प्रतिक्रिया के मजेदार में 6 कार्यक्रम में दाखिलों के पात्रता जांच व दस्तावेजों के सत्यापन की तिथि घोषित कर दी गई है। प्रवेश समन्वय की ओर से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अरब कल्चर अरेबिक विषय में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी क्रमांश 30 व 29 जुलाई की सुबह 10:30 बजे बुलाया गया है। वेस्टर्न हिस्ट्री व कंपोजिट हिस्ट्री के अभ्यर्थियों को 30 व 31 जुलाई और संस्कृत व मास्टर इन साइंस लाइब्रेरी साइंस वालों को 29 व 30 जुलाई को बुलाया गया है विभागों में फॉर डॉक्यूमेंट चेक जितना भी है उनके लिए। तो ये पीजी वाले बच्चों के लिए था। बाकी जितने भी यूजी वाले बच्चे हैं उनके लिए जो बीबीए, बीसीए और बीकॉम वाले, एनईपी और एनईपी वाले और साथ ही में ऑनर्स वाले, उन सभी के लिए दूसरा सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया है। आपको अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से चेक कर लेना है। तो आज के लिए ये इतना अपडेट था, और आगे कुछ अपडेट आएगा तो आई विल श्योरली इन्फॉर्म यू। फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी बच्चे हैं आपके साथ, उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना सीट जो है कंफर्म करके फ़ीस जमा कर लें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह से। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। बाय गाइस, टेक केयर।